कांगो ने बॉबी देओल और सूर्या को रातों रात स्टार बना दिया। दोनों ही दर्शकों के दिलों पर छा गए। फिल्म का दूसरा भाग तो मानो आग लगा रही है, लेकिन अगर बात करें सबसे शानदार परफॉर्मेंस की तो सूर्या ने सबको मात दे दी। उनकी पुरानी साउथ फिल्मों ने भी खूब कमाई की, यहाँ तक कि कई बॉलीवुड एक्ट्रेस उन साउथ फिल्मों का रिमेक बनाकर मालामाल हो गए। सूर्या की फिल्में सिर्फ साउथ में ही हिट नहीं होती बल्कि बॉलीवुड में भी इनकी खूब धूम रहती है। अजय देवगन, आमिर खान और जॉन अब्राहम जैसे दिग्गज अभिनेताओं ने सूर्या की फिल्मों के रिमेक बनाकर न सिर्फ दर्शकों का मनोरंजन किया बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी धमाल मचाया। सूर्या जो साउथ के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अभिनेताओं में से एक है, अपनी फिल्म कांगुआ से एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। आइए जानते हैं इन रिमेक्स ने बॉलीवुड में कैसी एक नई लहर पैदा की है। इस लिस्ट में सिंघम का नाम शामिल है। रोहित शेट्टी ने साउथ की हिट फिल्म सिंघम से हिंदी सिनेमा में धमाल मचा दिया। अजय देवगन ने दमदार अंदाज में इस फिल्म को इतना पॉपुलर बनाया कि इसका सीक्वल और प्रीक्वल भी बनते गए। पहले सिंघम ने तो बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था 157 करोड़ रुपए की कमाई करके, और फिर सिंघम रिटर्न्स ने तो 200 करोड़ के आंकड़े को पार कर दिया। अब हाल ही में सिंघम अगेन भी आई जिसने 336 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया। दरअसल गजनी सूर्या की तमिल फिल्म का रिमेक है जो बिल्कुल इसी नाम से बनी थी। इस फिल्म को AR मुरुगदास ने डायरेक्ट किया था। अब ये कहानी थोड़ी और दिलचस्प बनती है क्योंकि आमिर खान की गजनी ही वो पहली बॉलीवुड फिल्म थी जिसने 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया था। आमिर खान की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुल 232 करोड़ रुपए की धूम मचा दी थी। ये फिल्म न सिर्फ आमिर की बल्कि बॉलीवुड के लिए भी एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुई थी। फिल्म फोर्स में विद्युत जामवाल, जॉन अब्राहम और जेनेलिया डिसूजा जैसे कलाकार थे। यह फिल्म सूर्या अभिनीत तमिल फिल्म काका काका का हिंदी रिमेक थी। हालांकि दर्शकों को यह फिल्म उतनी पसंद नहीं आई और ये बॉक्स ऑफिस पर औसत रही। हाल ही में अक्षय कुमार की फिल्म सरफिरा रिलीज हुई थी जो सूर्या की सुपरहिट फिल्म का हिंदी रिमेक थी, लेकिन अफसोस अक्षय की ये फिल्म दर्शकों के दिलों पर वो छाप नहीं छोड़ पाई। फिल्म इस साल सिनेमाघरों में आई लेकिन उसे बहुत कम प्रतिक्रिया मिली, वो बुरी तरह फ्लॉप हो गई। वहीं सूर्या की ओरिजिनल फिल्में ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा चुकी है बल्कि साउथ इंडस्ट्री में भी फिल्मों ने शानदार कामयाबी हासिल की है। ऐसी न्यूज़ अपडेट रहने के लिए मूवी मसाला को सब्सक्राइब करें।